छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सारंगढ़ में छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। आपको बता दें कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया गया। शासकीय कन्या हाई स्कूल कौसीर में 9वीं पास छात्राओं को आज उनके पालकों की उपस्थिति में साइकिल वितरित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण की उपाध्यक्ष विधायक सारंगढ़ उत्तरी जांगड़े रही। उन्होंने अन्य अतिथियों के साथ छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। कार्यक्रम में उत्तरी जांगड़ा ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का पल है, इतनी बड़ी संख्या में बेटियों को निःशुल्क साइकिल मिल रही है। वहीं आप सबको बता दें कि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, शिक्षा संस्थान बंद है, ऐसे में घर में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करें और अभिभावक अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए मोबाइल उपलब्ध करवाएं ताकि बच्चों को शिक्षा का लाभ घर बैठे मिल सके। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य नूतन चंद्रा की मांग पर स्कूल के बचे हुए बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य को जल्द ही पूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। आपको बता दें कि साइकिल वितरण के साथ साथ कक्षा 10वीं के छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें भी वितरण की गई, जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो और इस कोरोना काल में वे घर पर ही अध्ययन कर सके। इस कार्यक्रम में टीपी चंद्रा उपाध्यक्ष गणपत जांगड़े, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विष्णु चंद्रा व स्कूल की अध्यक्ष सुनीता चंद्रा की गरिमामय उपस्थिति रही। रायगढ़ सारंगढ़ से संवाददाता श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। पढ़ाई तो हरिद्वार योजना में जो ऑनलाइन चला थे, जो गुरु जी मन पढ़ा थे, वो मैं कम से कम घर के मतलब भी बच्चा मतलब सहयोग करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा मतलब मोबाइल दे के ऑनलाइन में पढ़ाना चाहिए ताकि वो मन आगे बढ़ सके और अच्छा पढ़ लिख सके। बस यही मोर योजना बताने। आज शासकीय कन्या हाई स्कूल तोसीर हमारे विद्यालय में 136 साइकिल वितरण किया गया है। ये जो योजना है वह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसे बच्चे दूर दराज से आते हैं, उसको स्कूल तक आने में बहुत ही मदद मिलती है ताकि दूर के बच्चे यहाँ आकर अपना अध्ययन करें, उसको किसी भी प्रकार की समस्या न होकर के इस योजना को चलाई गई और इसलिए इसको प्रदान किया जाता है। वहीं शासन के द्वारा पढ़ाई तुम्हारे द्वारा योजना चल रही है, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है छात्रों पर? इस योजना से बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। दूर दराज के जितने भी बच्चे हैं वो पहले कुछ ही किसी भी प्रकार आने की समस्या में बताते थे, लेकिन जब से योजना चालू किए हैं तो पढ़ाई में अच्छा आ रहे हैं और संख्या भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।